दोस्तों, मैं फिर से निकल चुकी हूँ एक नए सफ़र पे। इस बार कुछ अलग तरीके से मैं निकली हूँ। मलंग टूर के साथ मैंने अपनी ट्रिप प्लान करी है। ये केरल टू केरल का मैंने पैकेज लिया है। अब मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली से केरल अकेले जाना पड़ेगा। तो मैं मॉर्निंग में 5 o'clock मैं निकल चुकी हूँ। ब्लू कार से मैंने अपनी कैब बुक करी और मैं फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी ही पहुंच गई। मैंने बोर्डिंग पास वगैरह, चेकिंग वगैरह सब करा लिया। अब मेरे को वेट करना है सबसे मुश्किल काम। अब भूख तो लगती है एयरपोर्ट में आके सबसे ज़्यादा, तो मैंने एक पिज़्ज़ा और एक कोक ले ली खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। फिर वेट 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 करते रहो यही चल रहा था। फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई तो मैं बस अब फ्लाइट के अंदर जा रही हूँ। तो बस मेरे को वेट नहीं हो रहा केरल पहुँचने का। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं केरल पहुँच जाऊँ। मैंने इस बार विस्तारा से फ़्लाइट बुक करी थी, तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। तो अगर आपने विस्तारा में पहले फ़्लाइट बुक करी है तो कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो बस बैठ गई मैं फ़्लाइट में। थोड़ी देर बाद फिर मुझे ये इडली और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था दूसरा, बट अच्छा था जो भी था। तो बस मैं वेट कर रही थी केरल पहुंचने का। मौसम बहुत अच्छा था फ़्लाइट में, मतलब तो पूरा क्लीन क्लीन दिख रहा था। तो मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस था फ़्लाइट में, तो मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगा, बट फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो हम पहुंच चुके हैं कोची के एयरपोर्ट। तो मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ा ठंडा ठंडा सा। तो अब बस यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे को जाना कैसे, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं मुंबई से, वो लोग आ रहे हैं मलंग टूर वाले सारे लोग, और मैं दिल्ली से अकेली हूँ। तो उनकी जो ट्रेन है वो थोड़ी डिले हो गई, वो 2 बजे तक आएगी और मैं 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ। तो बस अब लगेज उठाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मेरे को जाना कहाँ है और क्या करना है। तो बस लगेज का वेट कर रही हूँ। लगेज ले लिया, अब लगेज लेके मेरे को निकलना है बाहर। फिर अब मैं सोचूँ, अब मैं जाऊँगी, यहाँ सोच रही हूँ मैं कोची ही एक्सप्लोर कर लेती हूँ। कोची में भी काफ़ी जगह है एक्सप्लोर करने की। तो एयरपोर्ट के बाहर से ही मुझे बस मिल जाती है। ये मैंने बस ले ली एयरपोर्ट के बाहर से ही। 60 रुपीज़ में ये मुझे आलुआ मेट्रो स्टेशन छोड़ेंगी। वहाँ से फिर मैं मेट्रो लेके लुलू मॉल जाने वाली हूँ, जो सबसे बड़ा मॉल है। तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। मेट्रो स्टेशन भी जैसे दिल्ली का है वैसे ही है, बट थोड़ा सा साफ लग रहा है मुझे और थोड़ा सा अलग सिक्योरिटी वगैरह, बट वैसे ही है सारी चीज़ें। तो बस अब मेरे को अपना ये सामान रखना है। बहुत मुश्किल काम है अकेले ट्रैवल करने का, सबसे सबसे बेकार वाला काम कि अपना सामान खुद ढोना पड़ता है। तो बस मुझे केरल के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी तक, जितने लोग मुझे मिले बहुत हेल्पफुल मिले। उन्होंने ही मेरे को बताया कि लुलू मॉल है वहाँ पे चले जाओ, और उन्होंने ही मेरे को गाइड करा, क्योंकि यहाँ के मेट्रो स्टेशन के नाम इतने अलग अलग हैं कि मेरे को पढ़ने में भी और मतलब समझने में अजीब अजीब से नाम है, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करा। तो मैंने टिकट ले ली है, आलुआ मेट्रो स्टेशन है ये। लुलू मॉल जाने के लिए इडप्पली मेट्रो स्टेशन सबसे पास है मुझे जो बताया है। तो मैंने इडप्पली मेट्रो स्टेशन की टिकट ले ली और चेक इन कर लिया। तो बस अब मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो का। बहुत जल्दी जल्दी मेट्रो आ रही थी तो मैंने सोचा एक दो वीडियो और बना लेती हूँ मेट्रो स्टेशन की केरल के। तो बस आने वाली है मेट्रो, मेट्रो का वेट कर रही हूँ मैं। इडप्पली मेट्रो स्टेशन मैं पहुंच चुकी हूं। ये जो मॉल था और इडप्पली मेट्रो स्टेशन दोनों कनेक्टेड है, तो अंदर से ही आप लुलू मॉल जा सकते हैं। तो बस यहां से मेरी एंट्री स्टार्ट है लुलू मॉल की। देखते हैं, चलो मैं बैग लेके घूम रही हूँ मॉल में। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि वो लोग 2 बजे तक आएंगे, अभी 9 बज रहे हैं। तो बस अब घूमना तो है लेकिन, तो इसी बहाने मैं कोची एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी आ चुकी हूँ लुलू मॉल की। यहाँ पे राइड्स वगैरह भी ओपन नहीं है, शॉप्स भी बहुत कम ओपन है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है। बट एक्टिविटी के लिए काफ़ी चीज़ें थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सच में गेमिंग जोन और टॉयज़ वाले, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी थी, और झूले वगैरह तो बहुत अच्छे थे। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप किसी बच्चे के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। बट अभी सारा कुछ बंद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी हूँ। तो बस मॉल है पूरा मॉल की तरह अच्छे से, बट बनाया बहुत अच्छा है।
दिन बच जाएगा अगर आप पूरा कवर करेंगे तो, बट ठीक है, टाइम अच्छा स्पेंड हो सकता है। आई एम गोइंग बैक एक्राकुलम जंक्शन पे, मेरा ट्रैवल जो ग्रुप वाला ग्रुप है वो वहाँ पे आने वाला है, तो मैं वहाँ पहुँच भी हूँ क्योंकि अकेले मैं ही सिर्फ एयरपोर्ट से हूँ, बाकी के सब तो ट्रेन से आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। चलो मिलते हैं वहाँ। कॉल करना तो बहुत पसंद है, बैग उठाना उससे भी मुश्किल है अकेले ट्रैवल करने वालों के लिए। ये बैग और एक बैग अकेले ट्रैवल करने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कि अपना सामान खुद उठाना पड़ता है। हाँ, होप यू अंडरस्टैंड। ट्रैवल करने के बेनिफिट्स भी हैं तो लॉस भी हैं। खाली टाइम में कई कई फोटो को तकवास कर लेते हैं, अब इटप्पली मेट्रो स्टेशन से मुझे एकराकुलम जंक्शन तक जाना है क्योंकि मेरे सारे जो ट्रैवल वाला ग्रुप था वो वहाँ वेट कर रहा है, तो मैंने मेट्रो ले ली है और मैं पहुँचने वाली हूँ एकराकुलम जंक्शन। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन का, मैं उधर जा रही हूँ उन लोगों से मिलने कि ट्रेन और लेट हो चुकी है तो मुझे भूख लग रही है। रोड पे तो मुझे कोई फूड रोस्टाइन मिल नहीं रहा था, तो मैं एक कैफ़े में गई, वहाँ पे मैंने ये फ्राइड राइस मंगवाए थे। फ्राइड राइस की जगह पता नहीं क्या ही था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उबले हुए चावल और बीच में मटर डाल के दे दी, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मूड और ख़राब हो गया। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे मरीन ड्राइव है, वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं था बट मैं वॉक करके गई, 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था मेट्रो स्टेशन से, तो मैं वॉक करके ही चली गई अकेले। मैंने एक्सप्लोर करना है तो भाई पैदल ही जाना पड़ेगा, तो मैं पैदल पैदल पहुंचने वाली हूँ मरीन ड्राइव पे कोची के। ये है कोची का मरीन ड्राइव। तो मैं दोपहर में आई हुई हूँ तो धूप है, लोग भी थोड़े कम दिख रहे हैं। शाम को मे भी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता हो, अभी तो नहीं है। यहाँ पे बोटिंग भी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, उसका चार्ज आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा क्योंकि मैं उस साइड गई नहीं, क्योंकि मैं बोटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। मौसम तो ठंडा था बट धूप ज़्यादा थी, तो चुभ रही थी धूप। तो यहाँ पे मुझे लगता है शाम को ही भीड़ होती होगी, और कच्चे आम की कैरी और ये सारी चीज़ें मिल रही थी तो बहुत टेस्टी था, वो ट्राई ज़रूर करना। और तो सही है, बस बैठने के लिए, हैंग आउट करने के लिए दोस्तों के साथ लोकली, तो बस इतना ही है यहाँ पे। तो फिर अब वापस मैं निकलती हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, फिर पैदल ही जाऊँगी मैं घूमते घूमते, क्योंकि ऐसे ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में कि लोकली क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। बस में अगर चले जाऊँगी तो कुछ दिखेगा नहीं मुझे, तो मैं पैदल पैदल फिर वापस निकल चुकी दूसरे रास्ते से रेलवे स्टेशन के लिए। बाय बाय मरीन ड्राइव, फिर मिलते हैं। फाइनली वो लोग सब आ गए और टेम्पो मेरे को मिल गया, तो बस अब बैठ के हम जाने वाले हैं, बट अभी कोई मुझे जानता नहीं है तो किसी से कोई बातचीत हो नहीं रही है, अब देखते हैं आगे। बैठते ही मलंग टूर वालों ने हमें ये किट दी, सैनिटाइज़र, उनका बैच और चॉकलेट थी, वो तो मैंने चॉकलेट खा ली क्योंकि बहुत भूख लगी थी मुझे वो नमकीन चावल खाने के बाद। ट्रिप के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, देखते हैं क्या होता है इस ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इस ट्रिप के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखना, क्या कि मेरी मलंग टूर के साथ ही कैसी रहती है ट्रिप। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।